अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तैयब एक्सपर्ट। यूट्यूब चैनल में खुश आमदी करता हूँ आपको, और आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। काफ़ी दोस्तों को जो है अपने लैपटॉप या आपका जो पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर है उनमें मसले मसाइल आ रहे होते हैं। अगर आप रैम भी अच्छी करवा रहे हैं, या आपके पास रैम अच्छी नहीं डलवा सकते, या प्रोसेसर आपका अच्छा नहीं है, या ओल्ड मॉडल आपके पास सिस्टम डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, या फिर आपके पास लैपटॉप हो गया, तो उसको जो है कैसे हम अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कैसे हम उसके अंदर सेटिंग करेंगे, जिससे हमारे कंप्यूटर की जो है वो सेटिंग होने से अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, एक ट्रिक जो है पता चली है, जो अपने मैंने कंप्यूटर पे भी यूज़ की हुई है, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, जिससे आपके कंप्यूटर जो है आपका लैपटॉप एक स्मूथ होकर चलना शुरू हो जाता है, जिससे आपके काफ़ी चीज़ें जो है जो लेट ओपन हो रही होती हैं वो जल्दी ओपन होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो हमारे कंप्यूटर की बैक पे ओपन रनिंग होती हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, और वो ऐसे ही फजूल में हाई जो है परफॉर्मेंस, या हाई वो कह सकते हैं कि MBSPS लेके जो हमारे सिस्टम को डाउन कर रही होती है, स्पीड पे ऐसे पड़ रहा होता है उनका। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बाकी सब्सक्राइब का बटन आपको वीडियो के नीचे नजर आ रहा होगा, आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है, और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। ये लाजमी कीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया तो वीडियो तो लाजमी कर दें, अगर किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो करना क्या, सबसे पहले आपने आपने आपके पास अगर विंडो 10 है या 8 है, जो भी है, मेरे पास अभी 11 है, सेटिंग सबकी सेम ही है। आपने नीचे ये जो टास्क बार आ रहा है, आपने इसके ऊपर जो है राइट क्लिक करना है, आपके पास ऐसे टास्क बार सेटिंग आ जाएगी। अब मेरे पास जो है यहाँ पे टास्क बार सेटिंग में हेल्प होनी पड़ेगी, क्योंकि ये है विंडो 11। तो मैं क्या करूंगा, मैं भी आपको अगर नहीं मेरी तो आपने करना है, ये Ctrl+Alt का बटन आपके लैपटॉप पे आ रहा होगा, कीबोर्ड कीपैड जो कीपैड है इसका, आपने उस पर प्रेस करना है Ctrl+Alt दोनों को इकट्ठा प्रेस करके, साथ डिलीट का बटन ढूंढना है आपने, जो फर्स्ट वाली लाइन में होगा लास्ट पर डिलीट का बटन, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, अगर नहीं मिल रहा तो आपने यहाँ पे देखें टास्क मैनेजर का आपको ऑप्शन नजर आ रहा हो, आपने इसके ऊपर जो है क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं जी, आपके सामने जो है इस तरह का एक पेज जो है ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे आपने आ जाना है स्टार्टअप पे, ठीक है। स्टार्टअप पे आने के बाद आपने यहाँ पे लास्ट पे देखना है कि आपकी यहाँ पे हाई जो है स्टार्टअप इम्पैक्ट जो हाई कौन कौन सी चीज़ें हाई में आ रही हैं। आप जैसा कि ये देखें माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये हाई है, इसको मैंने डिसेबल करके रखा होगा। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, ये भी हाई ले रहा था, इसको भी मैंने डिसेबल कर दिया। अब इसमें कुछ और है मीडियम, ये लो, ये चीज़ें मेरे पास काम की हैं, इनको मैंने ओपन किया हुआ, इनको मैं नहीं करूँगा। अब जैसा कि ये हो गया सी क्लीनर, ये मेरे काम की मेरे यूज़ में नहीं आ रहा है इस वक्त, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, इसके मैं जाऊँगा यहाँ पे इनेबल लिखा आ रहा है, और ये भी हाई ले रहा है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है, डिसेबल लिखा रहा है, आपने डिसेबल बटन पर क्लिक करना है, और ये देखें ये डिसेबल हो चुका है। इस तरह जो जो हाई ले रहे हैं जो आपके काम में है उनको आपने डिसेबल कर देना है, जो काम में नहीं है जो फजूल थे उनको आपने डिसेबल कर देना है, और ठीक है। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे क्रॉस के बटन में क्लिक करना है, और आपने अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपका लैपटॉप और आपका डेस्कटॉप एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आपको फर्क महसूस करवाएगा, जिससे आपको भी लगेगा कि वाकई ये सेटिंग काम कर गई है। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।